हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रेस पार्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु बिकेम फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान टू बी चीफ गेस्ट एट पासिंग आउट परेड एट द रॉयल मिलिट्री अकेडमी ऑफ यूके। सो इसका करेक्ट आंसर है जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल बाजवा साहब जो हैं ये 12 अगस्त 2022 को पहले आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, जिन्होंने रॉयल मिलिट्री अकेडमी जो बरतानिया की है उनमें चीफ गेस्ट बने हैं पासिंग आउट परेड में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम रॉयल मिलिट्री अकेडमी की बात करें तो ये ब्रिटिश आर्मी की इनिशियल जो है ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर है, और इसमें दो पाकिस्तानी जो कैडेट्स हैं उन्होंने भी ग्रेजुएट किया है, और टोटल जो है 41 कैडेट्स ने ग्रेजुएट किया है। सो ये सारे टॉपिक्स इंतहाई अहम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ वापडा। वापडा के चेयरमैन की बात करें तो सज्जाद गनी जो हैं करंट चेयरमैन ऑफ वापडा हैं, और ये 12 अगस्त 2022 को बने हैं। वापडा का फुल फॉर्म है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये 12 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी इसके चेयरमैन बने हैं, और ये 23वें चेयरमैन हैं वापडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन मोस्ट गोल्ड्स इन ओपन इवेंट चेस ओलंपियाड 2022। सो चेस ओलंपियाड की अगर हम बात करें तो ये स्पोर्ट इवेंट है, 2022 में इसका 44वां एडिशन हुआ है, और पहली मर्तबा इंडिया ने इसको होस्ट किया है। इंडिया का एक सिटी है चेन्नई, चेन्नई में इसको होस्ट किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज फिडे करता है, और 1737 इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, 188 रजिस्टर्ड टीमें थी, और 186 जो थे रजिस्टर्ड नेशंस थे, कंट्रीज थे। और सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते हैं इसमें वो उज़्बेकिस्तान ने जीते हैं। अगर वुमेन कैटेगरी में बात करें तो इसमें दो कैटेगरी होते हैं, मेल कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी, और मेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उज़्बेकिस्तान ने जीते हैं, वुमेन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यूक्रेन ने जीते हैं। और अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें ओपन में, तो ये इंग्लिश के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के डेविड होवेल उन्होंने, और वुमेन इवेंट में सबसे ज़्यादा पोलैंड की एक एथलीट हैं ओलिविया कियाटबासा उन्होंने जीते हैं। पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की और कश्मीर के मामले पर, और इंडिया ने इसको होस्ट किया तो इसीलिए पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड लाइन डे, ये 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 10 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री लॉन्च इट इज़ फर्स्ट मून मिशन विद द ऑर्बिटर धनुरी। सो इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अगस्त के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया है अपना पहला मून मिशन, जिसे धनुरी का नाम दिया गया है। सो साउथ कोरिया इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डे ऑफ मिनॉरिटीज़, ये पाकिस्तान में 11 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 2009 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 11 अगस्त को एज़ नेशनल मिनॉरिटी डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। सो 11 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, सो हिरोशिमा डे 6 अगस्त, और नागासाकी डे जो है 9 अगस्त को ऑब्जर्व किए जाते हैं। 6 अगस्त 1945 को जापान के सिटी हिरोशिमा पर एटमी बम गिराया गया था, और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान इसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया था जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। लेकिन उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो नागासाकी पर गिराया गया था उसे फैट मैन का नाम दिया गया था, क्योंकि नागासाकी पर ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर हम हिरोशिमा की बात करें तो इसमें करीब 40,000 हलाकतें हुई थी, और नागासाकी में 80,000 हलाकतें हुई थी। सो नागासाकी डे 9 अगस्त और हिरोशिमा डे जो है ये 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इन अगस्त 2022 विच टू कंट्रीज़ हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस पार्लियामेंट टू ज्वाइन नेटो। सो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन एंड फिनलैंड। स्वीडन एंड फिनलैंड ये नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। नेटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका एब्रिवेशन है। 4 अप्रैल 1949 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है।
अभी इसके दो और मेंबर बनने जा रहे हैं, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन 30 जो मेंबर्स हैं ये सब अपने पार्लियामेंट में इसको अप्रूवल देंगे, फिर ही जाकर ये दोनों कंट्रीज़ जो है फुली मेंबर बनेंगे नेटो के। 3 अगस्त 2022 को यूएस की जो सेनेट है और अपर हाउस है, इन्होंने अप्रूवल दे दी है, और दीगर कंट्रीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी अप्रूवल देते जा रहे हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि नेटो के इस वक्त सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल ज्वाइंटली होस्ट फीफा वर्ल्ड कप इन द ईयर 2026 में। नॉर्थ अमेरिकन 3 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, ये तीनों मिलकर 23वां जो सेशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का उसको जो है करेंगे, होस्ट करेंगे। 16 सिटीज़ में होगा और 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में ये होगा। 2026 इसका करेक्ट आंसर है, और कंट्रीज़ भी ये तीनों यहाँ लिखे हुए हैं। पाकिस्तान इज़ सेट टू सेलिब्रेट इट इज़ 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th अगस्त 2022। 75th इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को जो है वजूद में आया, और इस मरतबा इसके 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2022 योम आशूर द 10th मोहर्रम उल हराम फॉल्स ऑन, सो इसका करेक्ट आंसर है 9th अगस्त। इस मरतबा 2022 में योम आशूर, आशूर का मतलब होता है 10th डे, सो अरबिक में, और ये जो है 9 अगस्त को ये इस मरतबा फाल किया है इसने, और ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और उनके जो कंपेनियंस थे उनको जो है होमेज पे करने के लिए, यानी कि खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। और अगर हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बात करें तो 4 हिजरी को पैदा हुए और 61 हिजरी को करबला के मकाम पर इन्हें शहीद किया गया, और ये हज़रत बीबी फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साहिबजादे थे। 9 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी टोटल मेडल्स वन बाय पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, सो इसका करेक्ट आंसर 8 है। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 2 गोल्ड सिल्वर, 3 गोल्ड जो है वो 2 जीते हैं मेडल्स, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल 8 मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान ने इस मरतबा। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से है, विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स इन बर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम टॉप 3 परफॉर्मर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जो है वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 57, गोल्ड जीते हैं 67, ब्रॉन्ज जीते हैं 54, टोटल 178 मेडल्स जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की पोजीशन है, इंग्लैंड ने 57 गोल्ड मेडल्स, 66 सिल्वर मेडल्स और 53 ब्रॉन्ज जीते हैं, और टोटल 176 मेडल्स जीते हैं। नंबर 3 पे है कनाडा, कनाडा ने गोल्ड मेडल्स 26 और 32 जो है सिल्वर, 34 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं, और टोटल कनाडा ने 92 मेडल्स जीते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स किसने जीते, वो ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल्स किसने जीते, तो वो जो है वो इंग्लैंड है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज किसने जीते, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ये टॉप 3 परफॉर्मेंस हैं। पाकिस्तान ने टोटल 8 मेडल्स जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में एक जो है स्टेडियम है विक्टोरिया स्टेडियम, और पाकिस्तान की सारी जो हमारे हमारा जो बजट पेश किया जाता है साल का, वो सारा बजट पूरे साल का एक तरफ उस विक्टोरिया स्टेडियम की जो बजट है साल में, वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा इसीलिए
जो है स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, इसीलिए वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या क्रिकेट हो इस वो टॉप पर रहते हैं। इसकी यही रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा जो है खर्चे करते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवाल आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ रुथ फाओ ऑब्जर्व ऑन 10th of August 2022। सो इसका करेक्ट आंसर है 5th डेथ एनिवर्सरी। डॉक्टर रुथ फाओ ये जो है इसे मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। 10 अगस्त 2017 को कराची में इंतकाल कर गई और ये 1961 में जर्मनी से पाकिस्तान आई थी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री वॉज डिस अलाउड टू पार्टिसिपेट इन आसियान समिट इन अगस्त 2022। सो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। और 55th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 3 अगस्त 2022 को कंबोडिया ने इसकी सरबराई की है और इसमें म्यांमार को इजाज़त नहीं दी गई है। क्योंकि मिलिट्री जो है वहाँ मिलिट्री रूलर्स के इश्यूज चल रहे हैं म्यांमार में। म्यांमार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 9th अगस्त। 9th अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। विच बिकेम फर्स्ट US स्टेट टू पास अ लॉ ऑन कंप्लीट एबॉर्शन बैन। सो इसका करेक्ट आंसर इंडियाना है। इंडियाना अमेरिकी रियासत है, उसने 5 अगस्त 2022 को ये पहली रियासत बन गई है जिसने कंप्लीट एबॉर्शन बैन कर दिया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस ऑन 8th of August 1942। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था और ये बम्बई से स्टार्ट हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, तो गांधी ने स्टार्ट किया था। इसे अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था। इसकी ये डिमांड थी कि ब्रिटिश जो रूल है इंडिया में इसको ख़त्म किया जाए और जिन्ना जो थे कायदे आज़म उन्होंने ये स्लोगन किया था, नारा लगाया था कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया, और ये कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 9th of August 1965। सो सिंगापुर ने 9 अगस्त 1965 को आज़ादी हासिल की थी मलेशिया से। सो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह की मज़ीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है इसको आप ज़रूर विज़िट करते रहा करें। हम इस चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। इस चैनल पर आपको साल 2022 के तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करें कि आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवाल आपको याद हो गए हैं। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए गूगल पर testpoint.pk सर्च करें। testpoint.pk वो वेबसाइट है जहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। testpoint.pk का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर उसे विज़िट करें। अगर आप हमें WhatsApp के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा WhatsApp नंबर है 0308253300। इसका PDF जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।